ट्रेन के डिब्बों पे ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ये फ्लोर्स खाली क्यों होते हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, और टेनिस बॉल हमेशा इस शेप में क्यों बनती है, और इसके ऊपर का ये क्या होता है, और चाइना में आर्मी वालों के कॉलर पे दो चुभने वाले पिंस क्यों लगाए जाते हैं। तो आए हैं तो कमाल के फैक्ट जरूर बताएंगे आपको, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। नंबर 11, इस तस्वीर को देखिए, लग रहा है ना कि किसी शहर में काफी ज्यादा बर्फ गिरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत में ये स्पाइडर्स के वेब है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक सीजन आता है स्पाइडर वेब सीजन के नाम से, जहाँ पे स्पाइडर अपने वेब कुछ इस प्रकार से छोड़ जाते हैं खेतों पे। नंबर 10, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जींस 214 फीट लंबा और 140 फीट चौड़ा है, मतलब भाई किसके लिए बनाई गई है। नंबर 9, चाइना में ट्रेनिंग के दौरान आर्मी वालों के कॉलर पर इस प्रकार के दो पिन कॉलर पर लगा दिए जाते हैं, ताकि उनकी गर्दन नीचे झुके नहीं और जब भी झुके तो उन्हें ये चुभे और पेन हो और उसका फोकस उस चीज पर रहे जो चीज वो कर रहे हैं। अमेजिंग। नंबर 8, दुनिया में बहुत सारे कोइंसिडेंस हुए हैं, पर ये कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वर्ल्ड वॉर ठीक 11 बजे सुबह खत्म हुआ था 11वें महीने के 11वें दिन में 1918 को, मतलब 11 कितना कॉमन है इस चीज में। नंबर 7, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बड़ी बड़ी इमारतों स्काई स्क्रैपर्स पे कुछ फ्लोर्स के पास ऐसा कुछ खाली सा जगह बना दिया था, फिर फ्लोर्स कंटिन्यू किया जाता है। दरअसल ये बिल्डिंग बनाने के वक्त ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिस पर की मेंशन किया जाता है कि कितने मैक्सिमम कितने फ्लोर के आप बिल्डिंग बना सकते हो। तो बिल्डर्स अगर 12 फ्लोर का है तो उसे और भी ऊंचा करने के लिए 4 फ्लोर बनाने के बाद कुछ ऐसा बना देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो वो काफी ज्यादा ऊंचा दिखता है। इसके अलावा ये अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो ये और रोकने के लिए भी काफी ज्यादा काम आती है। नंबर 6, मीम्स बनाकर आजकल लोग खूब कमा रहे हैं और मीम से कई लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, बट क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में मीम बनाना बैन है। अगर आप कोई भी मीम बनाते हो बिना उस पर्सन के परमिशन के तो आपको जेल हो सकती है और बहुत बड़ा फाइन भी भरना हो सकता है। नंबर 5, इंडोनेशिया में बच्चे को पैदे होने के बाद से 3 महीने तक जमीन पर नहीं रखा जाता, जमीन को छुआ भी नहीं दिया जाता उस बच्चे को, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे बच्चों की पवित्रता खत्म हो जाती है, और ठीक 3 महीने बाद एक फंक्शन किया जाता है और उस फंक्शन के बाद बच्चे को जमीन को छुआ जाता है, यानी जमीन से टच किया जाता है। नंबर 4, अगर आपने प्लेन को गौर से देखा होगा तो उसमें कुछ इस प्रकार की 3 लाइटें दिखाई देती हैं रंग बिरंगी, जो कि ग्रीन, रेड और व्हाइट होती है। जो ग्रीन लाइट होती है वो राइट साइड होती है, रेड लाइट जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है, और व्हाइट लाइट टेल पे होती है एकदम स्ट्रेट। दरअसल ये बहुत ज्यादा काम आता है उस वक्त जब रात को हवाई जहाजें उड़ती हैं और पीछे से कोई और फ्लाइट आ रही है, तब वो इसे इंडिकेट करती है कि लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड या सीधे। तो इसका बहुत बड़ा काम है, ये कोई ऐसे ही प्लेन को अच्छा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसका ठीक वैसे ही यूज है जैसे बाइक में हम यूज करते हैं। नंबर 3, हमारे इंडिया में टेनिस से ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा कि टेनिस बॉल में ये क्या होता है। दरअसल टेनिस बॉल 2 सर्कुलर रबर से बनता है, इन दोनों को जोड़कर ग्लू से चिपका दिया जाता है और उसके ऊपर एक स्पेशल लेयर लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये शेप आता है, और इस शेप की वजह से बॉल सेफ रहता है। अगर आप इसे निकाल दोगे तो बॉल 2 मिनट में फट जाएगा, और उसके अलावा बॉल में बहुत ही ज्यादा स्पिन आता है बिकॉज ऑफ दिस शेप। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी ही नहीं बनाई जाती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। नंबर 2, ये फोटो देखिए, ये गांधी जी की फोटो है। अब आप लोग सोचेंगे इस फोटो में खास बात क्या है। दरअसल ये वही फोटो है जो इंडियन करेंसी में यूज की गई है, और ये फोटो 1946 में पार्लियामेंट के बाहर ली गई थी, इतनी हिस्टोरिक फोटो है। नंबर 1, ट्रेन में हम सबने खूब सफर किया और सफर भी किया है, और हम सब ने नोटिस जरूर किया होगा कि ट्रेन के डिब्बों के बाहर कुछ इस प्रकार के नंबर होते हैं, और ये नंबर काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। दरअसल इन नंबरों में से जो पहला 2 नंबर है वो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेन या वो कोच यानी भोगी किस साल और कौन से महीने में बनाए, और आखिरी के 3 नंबर ये इंडिकेट करते हैं कि ये कौन सा क्लास है, एसी, नॉन एसी, स्लीपर, चालू या आधी। तो ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सबको बुखार आता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 103, 104, 105, इससे ज्यादा कभी किसी का गया नहीं है, बट दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर वाला फीवर विली जॉन्स को आया था, जो कि अटलांटिस के रहने वाले थे, और उन्हें 115 डिग्री सेल्सियस का बुखार हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।